हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Okay, तो consistent कौन कौन से होते हैं जिसमें हमें point मिलता है, जैसे ये intersecting वाला किसमें आएगा, consistent में आएगा। okay, और क्या आएगा, coincident line वाला, okay, ये भी किसमें आएगा, consistent में। और inconsistent में कौन सा आएगा, parallel lines वाले आएंगे। ओके, तो हमको वैसे ही चेक करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2 करके। फर्स्ट वाले में देखते हैं, a1 इक्वल्स टू कितना है, 1, b1 कितना है, 1, और c1 कितना होगा, -5। ओके, a2 कितना है, 2, b2 इज 2 एंड c2 इज -10। क्लियर? अब देखते हैं कि क्या है, a1 by a2 इक्वल्स टू 1/2, b1 by b2 इक्वल्स टू 1/2, c1 by c2 equals to -5/-10, -- get cancelled, 5 1s are 5 2s are, kitna ho gaya, ye bhi 1/2। to kya mil gaya humko, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। aur ye equation kiske liye hota hai, ye hota hai coincident line ke liye, aur coincident line kya hai, consistent hai। This is consistent. और consistent है तो हमको क्या करना है, हमें graph plot करना है दोनों equations के लिए। Okay? Now we know this equation is consistent. अब इसमें क्या बोला है question में, कि अगर consistent है तो हमें graphically plot करना है, तो graph बनाने के लिए हम ready हैं। Okay? तो फिर अब देखते हैं कि क्या करें। First equation ये है हमारे पास, x + y = 5। अगर मैं यहाँ y में 0 रख दूं तो x में को 5 मिल जाएगा, और अगर मैं x में 0 रख लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, y5 मिल जाएगा। क्लियर है? इन द सेम मैनर अगर मैं x में 0 रख दी तो क्या मिलेगा, 2y = 10, दैट मींस y = 5। तो x में 0 रखी तो y मेरे को 5 मिल गया, और फिर अगर मैं y में 0 रखूंगी तो क्या मिलेगा, 2x = 10, दैट इज x = 5। मैं y में 0 रखूंगी तो क्या मिलेगा, 5, सॉरी दिस इज 5। ओके, तो ये मेरे को पॉइंट्स मिल गए, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, मतलब सेम पॉइंट्स देख के ही मेरे को ये क्या पता चलता है कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होगा। ओके, तो वैसे भी तो हमें पता चल गया था कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि इसमें a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों क्या थे, इक्वल थे, है ना। तो अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 5 0 0 5 फर्स्ट लाइन के लिए, सेकेंड लाइन अगर मैं रेड से करूँ तो भी 5 0 0 5 दोनों आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैनेज इट। ये हो गया इसके लिए, और एंड द वन इज उसी में है, यही ग्रीन में भी सेम इसी के ऊपर आया। तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड किए हैं, इसलिए ये दोनों लाइन का क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट हुआ। रेड भी पहले, इसके पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ग्रीन भी ड्रॉ हो गया। ओके, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे आ गया, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ओके, क्लियर है? दिस इज व्हाट 5, 0 एंड दिस इज व्हाट 0, 5। ओके, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में फिर से हम चेक करेंगे, a1 by a2 क्या है, 2/4, that is 1/2, 2 1s are 2 2s are। okay, b1 by b2 अगर हम चेक करें तो b1 क्या है, -2, और b2 क्या है, -4, कैंसिल आउट होगा, 1s are 2s are, that is again 1/2। क्लियर है? अब c1 by c2 चेक करें अगर हम, तो c1 क्या है हमारे पास, -2, और c2 क्या है, -5, -- get cancelled, तो ये हो गया 2/5, which is not equal, मतलब ये क्या मिल गया, a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2।
ओके मतलब ये किसका फॉर्म आया, ये आया है हमारे पास पैरेलल लाइन का फॉर्म. पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दैट मींस हमारे पास क्या होता है इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंट आया तो हमें आगे ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.